हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ ये ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर की थी। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इसकी जो स्कर्ट है उसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने सैंतून का फैब्रिक लिया हुआ है, लगभग 1.5 मीटर का यह फैब्रिक हमने लिया था और इसे हमने यहाँ पे 2 फोल्ड करके रखा हुआ है। लेंथ एंड ब्रिथ यहाँ पे हमने यहाँ पे 23 इंचेस लगभग रखी हुई है, ठीक है। ये हमारा 2 फोल्ड किया हुआ है। अभी हमें इसे एक साइड से लेना है और इस तरह से ट्राइंगल शेप में इसे अच्छे से फोल्ड कर लेना है, ठीक है। अच्छे से बैठा लेने के बाद अब हम इसे सेमी सर्कल स्कर्ट में कट करेंगे। तो यहाँ पे हमें अपनी कमर की कटिंग करनी है, उसके बाद यहाँ पे नीचे हमें इसकी लेंथ लेनी है। यहाँ पे 22 इंचेस का हमें कमर लेना है जिसका 1/4 हिस्सा 5.5 इंच होता है। तो यहाँ ऊपर साइड से हमें 5.5 इंच पे मार्क करते हुए जाना है इस तरह से, ठीक है। और अब हमें नीचे जो इसकी टोटल लेंथ लेनी है ना, यहाँ पे 17 इंचेस की लेनी है। इस तरह से हम पूरे में 17 इंचेस पे मार्क करते हुए जाएंगे। जो हमारा जो इसमें नेट होगा ना वो हम 18 इंचेस का रखेंगे। हमारा स्तर से इसे 1 इंच या 1/2 इंच ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है और फिर इसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमें यहाँ पे एक सेमी सर्कल स्कर्ट यहाँ पे मिल जा रहा है और इसके बाद हम यहाँ पे नेट हमें लेना है और इसकी जो नेट की जो लेंथ है मैंने यहाँ पे 18 इंचेस की रखी हुई है। ये प्यारी सी नेट हमने ली हुई है और नेट टोटल हमने 2 मीटर का लिया हुआ था जिसे हमने डबल फोल्ड करके कट किया है। तो यहाँ पे टोटल जो इसकी विड्थ है वो लगभग 4 मीटर की है, ठीक है। तो इसके बाद हमें अपनी नेट की जो फैब्रिक है इसे हमें मिलाते हुए दोनों को जॉइंट कर लेना है। ये हमारा 2 पीस में है इसलिए हम इसे इस तरह से एक दूसरे के साथ मिला करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। ये हमने अच्छे से सिल लिया, देखिए। और अब हमें इसे छोटी छोटी इस तरह से चून बनाते हुए इसे तैयार करनी है अपनी जो अस्तर है उसकी कमर के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से मैं इसमें चून बनाती हूँ, देखिए। ये जो आप इस तरह से चून बनाओगे ना तो काफ़ी अच्छे से ये बैठा हुआ रहेगा और इसे सिलाई करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है। आप चाहें तो आप अपने तरीके से भी यहाँ पे इस तरह से चून तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अच्छे से चून इसमें तैयार कर लेती हूँ। सो यहाँ देखिए मैंने इसमें अच्छे से चून तैयार कर लिया है और अब हमें यहाँ पे अपनी जो अस्तर जो सैंतून वाला फैब्रिक लिया था ना वो लेना है और नीचे की साइड को हमें यहाँ पे फोल्ड करके अच्छे से सिलाई कर लेनी है। तो इस तरह से हमें इसने नीचे की साइड को सिल लिया है और अब हमारी जो चून है ना यहाँ पे जो नेट वाली हमने चून तैयार की थी वो हमें यहाँ पे बैठाते हुए स्टिच करनी है इस तरह से। तो चलिए इसे बैठाते हुए हम पहले स्टिच कर लेते हैं। सो इस तरह से हमें अच्छे से बैठाते हुए इसमें सिलाई लगाते हुए जानी है। तो ये हमने अच्छे से कमर पे इसकी सिलाई कर ली। अब हम इसे उल्टे साइड पे फोल्ड करेंगे और अब साइड को हमें सिलना है। ऊपर से आप लगभग 2 इंच का यहाँ मार्जिन छोड़ लें और फिर इसे हम चारों को अच्छे से अस्तर और फैब्रिक को बैठाते हुए यहाँ पे इस तरह से लगभग 2 इंच का मार्जिन छोड़ के इसे इस तरह से सिलना है। तो कुछ दूर हमें से साथ में सिलाई करते हुए जाना है अपने नेट और सैंतून को इस तरह से। अब थोड़ी दूर सिलाई करने के बाद हमारे जो नेट है ना इसे हम अंदर कर लेंगे इस तरह से
और सिर्फ हमें अपनी सैंतून वाली फैब्रिक को सिलना है। सो इस तरह से सिल लेने के बाद अब हम अपनी सैंतून को ऊपर के साइड पे उठा लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे जो नेट हमें अब मिल रहा है ना, इस नेट को भी हम मिलाते हुए सिल लेंगे। इससे आपका जो नेट और हमारा अस्तर है वो अलग अलग सिलाई होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से इस तरह से सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इसे सिल लिया। अब ऊपर का जो मार्जिन हमने छोड़ा था ना, वो हमें फोल्ड करते हुए सिलना है। तो चलिए इसके बाद हम अब उसकी सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने साइड सिल लेने के बाद अपनी कमर की जो पट्टी है वो हमें तैयार करनी है। तो एक बार आप अपनी कमर को वापस से यहाँ पे नाप लें, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने अपनी नेट की और सैंतून की दोनों की पट्टी अलग अलग ले ली है। देखिए अस्तर जो हमने 4 इंच का रखा हुआ है, और इसी पे हम नेट को इस तरह से बैठाएंगे और फिर इसे नेट के साथ बैठाते हुए स्टिच कर लेंगे। तो एक साइड को हम यहाँ पे स्टिच करेंगे, दूसरी साइड को हमें फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। किस तरह से करना है चलिए मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। तो इस तरह से एक साइड को हमने अच्छे से स्टिच कर लिया। अब इसे पलटते हुए देखिए यहाँ पे हमें इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए दूसरे साइड से स्टिच कर लेना है। तो जिस साइड पर हमने फोल्ड करके स्टिच किया है ना, ये हमारी कमर पर ऊपर के साइड पर आएगा, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगी स्टिच करके। अब यहाँ जो हमारा एक्स्ट्रा नेट दिख रहा है ना, वो हम अच्छे से कट कर लेंगे। और इसके बाद अब हमें यहाँ पे अपनी स्कर्ट को लेनी है, और इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ बैठाएंगे, और फिर इसे हम पूरी गुलाई पे सिलाई करेंगे। तो यहाँ हमने सिल लिया इसे अंदर की साइड से। अब इस पट्टी को हमें ऊपर की साइड पे पलट करके सिलाई करनी है। सो इस तरह से आपको कमर पे अच्छे से पट्टी को बैठाते हुए स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा स्कर्ट आराम से आपका बनके रेडी हो जाएगा। सो होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर आपने अभी तक इसकी जो ब्लाउज की वीडियो नहीं देखी है ना, ये वाली, तो वीडियो के एंड में मैं आपको उसकी लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और आपको ये स्कर्ट की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी अपडेट्स देखने को मिल जाती हैं। सो होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।